नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि कंप्यूटर की आपको डेली क्लास मिल रही है दोस्तों, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी सीरीज को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हुए आपको 400 प्लस क्वेश्चन मिल चुके हैं दोस्तों। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बस आप पूरा देखा करें और लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट करके भी बताया करें कि आपके क्या स्कोर रहा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया? बिल गेट्स, लेडी लेवलेस, न्यूटन, आइंस्टाइन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर में नहीं होती है, भले ही वह कंप्यूटर कितना ही परिष्कृत क्यों ना हो? तीव्र गति, बुद्धि, परिशुद्धता, पूर्ण स्मृति। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कंप्यूटर में दोस्तों अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, कोई भी बुद्धि नहीं होती, उसमें जो फीड किया जाता है वही दोस्तों होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, प्रोलोग। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रोलोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सत्य है। दोस्तों ऑप्शन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था, मल्टी प्रोग्रामिंग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रयोग में लाई जाती है, ऑप्शन सी दोस्तों कंप्यूटर स्वयं कार्य करता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आई बी एम है। दोस्तों ये आपको बताना है, एक कंप्यूटर कंपनी, एक विश्वविद्यालय, एक औषधि कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक कंप्यूटर कंपनी है। क्या है दोस्तों? आईबीएम एक कंप्यूटर कंपनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नाम नहीं है, इडसेक, यूनिवेक, मार्क प्रथम, आईबीएम। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आईबीएम क्या है? एक कंप्यूटर कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ था एक कंप्यूटर कंपनी है आईबीएम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तृतीय पीढ़ी में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इसका सुपर कंप्यूटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम, आनंद, पीसी 386, पीसी 486। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है परम, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थाई यानी कि परमानेंट इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है, कंट्रोल, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल एवं प्राइमरी यूनिट, कंप्यूटर एवं प्रोसेस यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सीपीयू की फुल फॉर्म आपको कई बार कराती है तो आपको ये रट गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है, तो दोस्तों बताएं रैम, रोम, ए व वी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रैम। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट दोस्तों बराबर होता है 6 बिट्स 7 बिट्स 8 बिट 5 बिट। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं, तो ऑप्शन सी दोस्तों 8 बिट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बिट्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1028 बाइट, 512 बाइट, 4096 बाइट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1024 बाइट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेजर प्रिंटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है रैम मेमोरी, रोम मेमोरी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी मेमोरी दोस्तों होती है, तो वो होती है आपकी ऑप्शन बी यानी कि रोम मेमोरी। कौन सी दोस्तों, रोम मेमोरी यानी कि रोम की आप फुल फॉर्म बताएं क्या हो जाएगी दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या, रीड ओनली मेमोरी, और रैम की क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, रोम मेमोरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब दोस्तों विद्युत भंग यानी कि लाइट चली जाती है दोस्तों, तो क्या होता है मेमोरी जो समाप्त हो जाती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वॉलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में, मेनेपो कंप्यूटर में। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका सही आंसर है पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जो पीसी होते हैं दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, उनमें दोस्तों फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। दोस्तों अपना स्कोर बताएं क्या आपका स्कोर रहा, और वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ऐसी सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी दोस्तों, बहुत आपके क्वेश्चन हो गए हैं। और दोस्तों अभी भी आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जल्दी से जाकर दोस्तों सभी वीडियो को आप एक दिन में देख सकते हैं, जिससे कि आपका दोस्तों एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों उसमें आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आरओ और आरएम वाले का एडमिट कार्ड आ गया है, तो पूरी दोस्तों संभावना है आपकी 99% चांस हैं कि 27 नवंबर को ही आपका एग्ज़ाम दोस्तों होगा। तो बस अब आप लापरवाही ना करें, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।